क्या हुआ? आपकी और मेरी बर्बादी। आप ही को कुछ करना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अब क्या हो रहा है नीचे? नहीं, हर चीज पे शोर शराबा। आप ही कुछ करें प्लीज। बैठो, बैठ जाओ मुंता। तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी वो ज्वेलरी और मोबाइल के बारे में, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता देता हूं कि कहां से मिला। यूसुफ कॉल, वहां के SHO का फोन आया मुझे, कहता कि चोरी हुई थी, हमने रिकवर किया। कैसी अजीब सी बात है। मैं तुमसे उस दिन ये सब कुछ मांग रहा था, तुम्हें ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, मोबाइल सही होने गया हुआ था, और देखो एक SHO मुझे फोन करके कह रहा है कि चूड़ियां और मोबाइल उसके पास है। वेरी स्ट्रेंज। ये जो यूसुफ कॉलोनी है, तुम्हारी अम्मी उस इलाके के पास ही रहती है ना? आप कहना क्या चाह रहे हो? खुल के कहें। क्या खुल के कहूं मुंता, क्या कहूं खुल के? आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट मिरेकल हो गया ये तो, सीरियसली। नहीं, इसका मतलब यही है ना कि ये सब कुछ मैंने किया है। मुंता, सब बातें सामने आ चुकी हैं, प्लीज बात खत्म कर दो। साहब जी, वो मुंतहा बीबी की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया आंटी? मुझे लगता है उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर के पास नहीं जाते, उन्हें भी कोई गोली दे दो। वो इनको बुला रही है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, मैं देख के आती हूँ। आपने अच्छा नहीं किया आनिया को भेजकर। डैड, आनिया वहां खुश नहीं है। और रूसा तो बहुत खुश है ना तुम्हारे साथ। सब किया धरा आपकी भांजी का है। डैड, मेरी और आपकी सिचुएशन में बहुत फर्क है। ये तो जुल्म की दीवार तुमने खड़ी की है ना, याद रखना एक ना एक दिन गिरेगी जरूर। अब ये किस जानिब गिरती है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन डैड, हाँ, आज अम्माद ने मुझे अपना बेटा ना होते हुए भी अपनी नजरों से मुझे गिरने नहीं दिया, पर तुम तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। किसी और को क्या सहारा दोगे? ये सही है, पहले मेरे शोहर को मेरे खिलाफ किया और अब उसकी महबूबा भी ले आया। Just shut your mouth, मुंतहा। तुम्हारे शोहर के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ तुम खुद हो, and you know that। बकवास बंद करो। एक तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो भी मैंने बनाया था सब खराब कर दिया, और मुझसे बकवास कर रहे हो तुम। ठीक है, तुम लोगों को लगता है कि सब लोग मिल के मुझे बुली करोगे, मैं एक शिकार हूं ना। मेरा एक ही सपोर्ट था और वो भी तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। फिक्र नहीं करो, मेरी जो बदवा है ना तुम लोगों को लगेंगी। बदवा? हाँ भाई, बदवा कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? लगना या ना लगना तो बहुत दूर की बात है मुंता, अपने बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो तुम्हारी बुरी नजर है ना, आनिया को कभी नहीं लग सकती। मुंता, मेरे साथ चलो। कहाँ? जहां भी कह रहा हूँ, बस चलो। उम्मीद है अपना घर समझ के यहीं रहोगी। ऐसी उम्मीदें रखना अच्छी बात नहीं होती। मैं जानती हूँ उससे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया, लेकिन कोई तो रास्ता होगा। तुम्हारी तो भी पूरी जिंदगी पड़ी हुई अपनी किस्मत संवारने के लिए। जब मेरे जीते जी मुझे अपनी अना की खातिर मुंह के बल जमीन पे फेंक दिया था, तब तो ना आपने मेरी किस्मत के बारे में सोचा और ना ही मेरी जिंदगी के। I'm sorry for her behavior. ऐसा कुछ गलत भी कह के नहीं गई। कोई तो रास्ता, कोई तो रास्ता होगा उसे मनाने का, संभालने का। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं देर हो चुकी हूँ। ये जो वक्त होता है ना, इंसान भी क्या जुल्म करेगा जो वक्त अपनी मार मारता है। ना किसी का इंतजार करता है और ना ही किसी को माफ करता है। अभी चंद ही दिन हुए जो तुम पैदा हुए थे, और आज मेरी गुनहगार आंखें तुम्हें इस तरह लड़खड़ाता हुआ देख रही है।